हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जयराम जी की। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम दोनों भाई जा रहे हैं बीएसएन माता मंदिर, जो दोस्तों हमारे यहां से 7 किलोमीटर दूर है यदि हम लोग कच्चे रास्ते से जाएँ तो। और दोस्तों, अभी हम बाय रोड जा रहे हैं तो हमें यहाँ से पड़ रहा है करीबन 14 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, पानी गिरने लगा है तो चारों तरफ हरियाली हो गई है। अभी छाया में खड़े हैं हम लोग, बस निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम लोग घर से 3 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अभी हमें 10-12 किलोमीटर और जाना है अंदर। तो दोस्तों चलते हैं भाई, आपको हम दिखाएंगे माता जी का मंदिर। तो दोस्तों, हम यहाँ गए हैं अभी पेट्रोल डलवाने, क्योंकि गाड़ी एक खड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ से हम पेट्रोल डलवाते हैं, फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे आगे मंदिर पे। तो दोस्तों, यदि हम कच्चे रास्ते से जाते हैं वहाँ पे दोस्तों, तो अभी कीचड़ हो गई होगी, पानी गिर गया तो वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए दोस्तों बाय रोड जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं रास्ते में दोस्तों, प्रकृति के बहुत ही प्यारे नज़ारे। मतलब दोस्तों, पानी गिर गया है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई है, खेतों में बोनी हो गई है दोस्तों, और पत्ते भी एकदम सही से कलर ले चुके थे। मतलब दोस्तों, रहा नहीं गया, वीडियो बनाने से रहा नहीं गया दोस्तों। तो थोड़े से क्लिप दोस्तों मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप इसको नहीं देखना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों बोनी हो चुकी है, तो प्रकृति के बहुत ही प्यारे नज़ारे। दोस्तों पानी गिर रहा है दोस्तों चारों तरफ, तो रास्ते खेतों में पानी भरा हुआ भी है। और दोस्तों, हम लोग दोस्तों यहाँ से जो दोस्तों अगर रास्ता आ रही है दोस्तों, हम यहाँ से भी मंदिर जा सकते हैं, बट दोस्तों हम यहाँ से मंदिर नहीं जा रहे क्योंकि दोस्तों कीचड़ है यहाँ से। तो दोस्तों, हम लोग आगे से मतलब रेलवे स्टेशन से होते हुए अंदर जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कुल्हार रेलवे स्टेशन। ये दोस्तों, आप लोग रेलवे स्टेशन यदि ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो आप ट्रेन के द्वारा भी यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। जो दोस्तों छोटी सी रेलवे स्टेशन है, जो दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन जो दोस्तों होती हैं, सवारी गाड़ी दोस्तों, बस दोस्तों यहाँ पे बस वही रुकती हैं। दो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एक उस साइड। तो दोस्तों, ये कुल्हार रेलवे स्टेशन दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में दोस्तों हमारे गाँव से 7-8 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। तो दोस्तों, आप इस ट्रेन के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पे आ सकते हैं यदि आना चाहें तो। ये देखिए दोस्तों, ये बाहर साइड दोस्तों, यहाँ से हमें अंदर मंदिर में जाना है दोस्तों। यहीं से आए थे अभी हम दोस्तों, आपको दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन आए थे हम। तो दोस्तों, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं गोरेपीक रेलवे स्टेशन। दोस्तों यहाँ से हम वापस चलते हैं और दोस्तों थोड़े से आगे चल के गाड़ी खड़ी हुई है दोस्तों, यहाँ से हमें मिलना है। तो यहाँ से दोस्तों हम कुल्हार में अंदर एंटर कर जाएंगे। दोस्तों यहाँ से हम अंदर चलते हैं और अंदर दोस्तों एक अच्छा छोटा सा गांव है, लेकिन दोस्तों अच्छा गांव है, सारी सुविधाएं हैं, मतलब स्कूल भी हैं और दोस्तों बैंक भी है यहाँ पे, बाज़ार भी लगता है। तो छोटा सा गांव है बट दोस्तों सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, यदि आप कभी मंदिर आना चाहें बीएसएन माता के दर्शन करने दोस्तों, आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पीछे बैंक है और दोस्तों ये मंडी है। और दोस्तों, अभी हम मंदिर जा रहे हैं तो गांव की गलियों से होते हुए जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए आगे से ये झंडा लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ से हम मंदिर जाएंगे। तो दोस्तों, ये बाई चारें जा रही हैं दोस्तों बाटी वगैरह बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आषाढ़ के महीने में दोस्तों बहुत दूर से दोस्तों लोग आते हैं। दोस्तों आषाढ़ी पूजा चलती है दोस्तों, जो हमारे गाँव में चलती है, आपके यहाँ चलती है नहीं चलती है दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आषाढ़ी पूजा के लिए दोस्तों बहुत दूर से दोस्तों लोग यहाँ पे आते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों छोटा सा गांव है, बाकी दोस्तों सुविधाएं इस गांव में सभी हैं, क्योंकि दोस्तों यहां रेलवे स्टेशन है और हमारा गांव इस गांव से बड़ा है, पर दोस्तों वहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों मंदिर आ चुके हैं,
तो दोस्तों ये छोटी सी कुछ दुकानें लगी हुई हैं। अभी बरसात का मौसम है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों ये देखिए मंदिर आ गया है। अभी हम यहाँ से गाड़ी खड़ी करेंगे और अभी अंदर चलेंगे। तो हम माता जी के मंदिर आ गए हैं यहाँ पे, और गाड़ियाँ यहाँ पे पाइक पार्किंग पीछे लगी हुई हैं। आज भीड़ भाड़ कम है थोड़ी सी, तो दोस्तों चलते हैं अंदर मंदिर है। वहीं हाथ धोएंगे, वहीं पानी की व्यवस्था है तो वहीं हाथ धोएंगे, और वहीं पे प्रसाद विरसाद ही घर से ही लेके आए थे दोस्तों हम लोग। अभी अंदर चलते हैं। ये रहा दोस्तों मंदिर, और दोस्तों यहाँ पे भीड़ रहती है बट दोस्तों अभी नहीं है, थोड़ा सा पानी आने ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और पार्टी वगैरह यहीं भोजन करते हैं, कथा भंडारे करवाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पैर धो लेते हैं थोड़ा सा और बदलते हैं। बाकी दोस्तों जो पूजा की सामग्री थी दोस्तों वो हम लोग घर से ही लेके आए थे, फूल और जो भी है प्रसादी वगैरह। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग दिख भी रहे होंगे आपको, और बाल्टियाँ बन रही हैं, वो वहाँ पर धुआं निकल रहा है। अंदर भी दोस्तों अंदर टीम सेट है, लेकिन धर्मशाला टाइप की बनी हुई है दोस्तों। कुछ लोग उसमें भी बाटी बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हम आए थे उसके पहले पानी गिर गया था। दोस्तों ये रहा मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग थोड़े से जल्दी आ गए हैं, तो भीड़ भाड़ कम है दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ पे बहुत सी और भी भीड़ भाड़ हो जाएगी, क्योंकि हर दिन का दोस्तों ही आषाढ़ के महीने में हर दिन का दोस्तों बहुत भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। तो हम लोग पानी यानी जलमल ले आते हैं, फूल घर से लेके आते हैं, तो फूल निकाल लिए हैं, थाई लगाते हैं, थाई लगा के पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे। तब तक अपडेट मोबाइल पकड़े हुए है अभी, और वही लहर रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आषाढ़ के महीने में लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ पर बाटियाँ बनाने के लिए खासकर सब लोग यहाँ आते हैं। देखिए आप, सब जगह बाटी बन रही है। देखिए दोस्तों यहाँ मंदिर पर
भगवान काल भैरव जी का मंदिर स्थान भी है। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों ने पूजा पाठ कर ली है, जब पूजा करने आए तो पूजा कर ली है, हम लोग घर निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों बहुत अब दोस्तों भीड़ बढ़ने लगी है, धीरे धीरे भक्त लोग और आने लगे हैं। तो दोस्तों हम लोग घर निकलते हैं।